माँ अम्बे का एक ऐसा मंदिर जहाँ मनाए जाते हैं उत्सव, एक ऐसा मंदिर जो स्थित है अरावली के शिखर पर, एक ऐसा मंदिर जहाँ प्रचलित है सदियों से अखंड जोत। अहमदाबाद गुजरात और उदयपुर राजस्थान से बाय रोड लगभग 3.5 घंटे का सफर तय करके आप पहुँच सकते हैं माँ अम्बे के इस मंदिर में। स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में आप दर्शन करेंगे अरावली के सबसे ऊँचे पर्वत में अपना स्थान जमाए बैठे माँ अम्बे। शाम के तकरीबन 7 बज चुके हैं और मैं अभी खड़ा हूँ सोमनाथ पिराल बस अड्डे पर। मेरे पीछे आपको नज़र आ रही होगी ये सोमनाथ अंबाजी बस, जिसमें हम सफ़र करके सुबह पहुँचने वाले हैं अंबाजी। फाइनली वेरावल सोमनाथ से 15 घंटे का सफर तय करके मैं अभी पहुँच चुका हूँ अंबाजी के इस बस अड्डे। अंबाजी के मुख्य मंदिर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है अंबाजी बस अड्डा और मैं अभी इस भवानी पैलेस में रुका हूँ। यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है मंदिर का मुख्य गेट। यह मंदिर माँ अम्बा माँ जगदम्बा को समर्पित है, जहाँ भक्त विशेष श्रद्धा और पूजा के लिए आते हैं। यहाँ पर वार्षिक नवरात्रि महोत्सव भी मनाए जाते हैं जो भक्तों की भीड़ को आकर्षित करते हैं। मंदिर की स्थापना और महत्व इसे गुजरात के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक बनाता है। पूनम का यहाँ पर खास महत्व है और पूनम के दिन यहाँ पर भारत में से नहीं बल्कि विदेशों में से भी भक्त अपनी बाधा को लेकर यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने वाले हर भक्त की मनोकामना माँ अम्बे पूर्ण करती है। अंबाजी मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है, अनेक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के योगदान है जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। अंबाजी मंदिर की स्थापना के बारे में कई प्रामाणिक कथा है, लेकिन सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध कथा यह है कि महाभारत काल में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक दूसरी मान्यता के अनुसार माँ अम्बे ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अरावली पर्वत पर अपने अवतार का प्रकटीकरण किया था। सफेद मार्बल से बना ये मंदिर भक्तों के लिए प्रमुख स्थल है, क्योंकि माँ सती छाया शरीर का दिल यानी के हृदय यहाँ पर गिरा था। इस कारणवश ये शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से मुख्य शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ पर आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना माँ अम्बे पूर्ण करती है। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर स्थित माँ अम्बे का ये मंदिर तकरीबन 1200 साल पुराना है। 3 टन वजन के साथ सफेद मार्बल और गोल्ड के कॉम्बिनेशन वाले माँ अम्बे के इस मंदिर के गुंबज की ऊंचाई है 103 फीट, जिसे सुशोभित करते हैं गुंबज पे लगे 353 कलश, जहाँ पर होती है माँ अम्बे के श्री यंत्र की पूजा। सुबह की पहली सूर्य किरण जब इस गुंबज पर पड़ती है तब इसकी खूबसूरती और भी लाजवाब होती है। हर साल फरवरी में यहाँ पर 51 शक्तिपीठ महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इस महोत्सव के लिए पूरे मंदिर को लाइट से सजाया जाता है। साथों साथ गब्बर पर्वत पर भी इस महत्व को मनाया जाता है। अंबाजी के मुख्य मंदिर से गब्बर पर्वत की दूरी है 3 किलोमीटर की। आपको अंबाजी के मुख्य मंदिर से आसानी से ऑटो मिल जाएगी गब्बर पर्वत पर जाने के लिए। गब्बर पर्वत पर ऊपर चढ़ने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक तो यह है सीढ़ियों का रास्ता और दूसरा है उड़न खटोले यानी के रोपवे राइड से जाने का रास्ता, जिसके लिए आपको आने और जाने के लिए खर्च करने पड़ेंगे पर पर्सन अपनी जेब से एडल्ट के लिए 125 रुपये, और अगर आपके साथ 110 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले बच्चे हैं तो उसके लिए 70 रुपये। मेरी अभी 300 मीटर की ऊंचाई वाले इस रोपवे को नीचे से ऊपर पहुंचने में लगते हैं तकरीबन 2.5 से 3 मिनट। वहीं अगर आप सीढ़ियों से जाना चाहते हैं तो तकरीबन 1000 सीढ़ियां चढ़कर आप गब्बर पर्वत की चोटी पर पहुंच सकते हैं, जहां पर उज्जवल है सदियों से अखंड ज्योत। यहाँ पर आप कर पाएंगे 51 शक्तिपीठों के दर्शन, जिसकी परिक्रमा को पूरा करने में आपको लग सकते हैं तकरीबन 2.5 से 3 घंटे। गब्बर पर्वत पर जैसे ही आप पहुँचोगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये स्थल, जहाँ पर हुआ है बचपन में भगवान श्री कृष्ण जी का मुंडन। फाइनली हम अभी दर्शन करेंगे उस ज्योति जो सदियों से प्रचलित है।
काफी कम है, फिर भी लोग सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आपको नजर आएंगे। गब्बर पर्वत से जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो आपको खाने पीने के लिए यहाँ पे नाश्ते वगैरह की कैंटीन भी बैठी है, तो उसके लिए गेम्स वगैरह के भी स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं, इसमें बच्चे गेम खेल सकते हैं। अगर आप माँ के श्रृंगार के लिए चुंदड़ी, सिंदूर या चूड़ियाँ लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। अंबाजी मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके आप पहुंच सकते हैं कोटेश्वर महादेव के मंदिर। कोटेश्वर महादेव मंदिर एक महादेव को समर्पित महादेव का मंदिर है और इसके बिल्कुल पास ही में है मां सरस्वती जी की गुफा। उसके थोड़ा ही आगे आपको नजर आएगा ये गौमुख कुंड, जहां पर आदिकाल से मां सरस्वती नदी का पानी गौमुख से जल के रूप में बहता है, इसीलिए शायद इसे सरस्वती गौमुख कुंड के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नए हो हमारी चैनल पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।